वेलकम बैक टू आर न्यू अनदर ब्लॉग। तो अभी आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि हम लोग आए थे नमोघाट, और जो कि अभी नमोघाट में हैं। तो अब यहाँ से जा रहे हैं घर, और अभी घर जाते वक्त देखते हैं क्या क्या करते हैं रास्ते में। और अभी ये सब व्यू तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, मतलब पिछले ब्लॉग में दिखाई दिया हूँ, कुछ दिखाने के लायक है नहीं यहाँ पे। उधर चार ठो हाथ बनाए, दो लोग का कार्ड कर पता नहीं किसका बना हुआ है, तो पता नहीं। तो अभी चलते हैं घर, फिर घर जाकर देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं। पिछले ब्लॉग में देखा कि ये अजय और हमारे साथ, और इन्हीं को लाए थे घुमाने पिछले ब्लॉग में। तो अभी यहाँ इनको लेकर चलते हैं घर, फिर उसके बाद देखते हैं। और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जो कि पिछले ब्लॉग में नहीं दिखाए थे, लेकिन इस ब्लॉग में दिखा रहे, अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए। और ये काफ़ी अच्छा जगह है जो कि बनाया गया है, लेकिन ऐसे लोगों ने इसको बेकार कर रखा है। तो बाकी यहाँ पर चलते हैं घर। तो हम लोग नमोघाट से निकल चुके हैं, अब आ चुके हैं ऑटो पकड़ने, और ऑटो में बैठ गए हैं और ऑटो पकड़ कर निकल रहे हैं घर के लिए सीधे। अभी घर नहीं जाएंगे, अभी यहाँ चलेंगे पांडेपुर वी मार्ट जो है वहाँ पे थोड़ा शॉपिंग करेंगे, फिर वहाँ से चलेंगे घर। तो अभी आगे के ब्लॉग में बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं वी मार्ट, और मुझे कुछ नहीं लेना है क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, ये अजय को लेना है। तो अभी हम लोग चलते हैं अंदर, फिर उसके बाद देखते हैं क्या लेते हैं क्या नहीं। तो ये बेल्ट देख रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज हो गए हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेल्ट है। तो अभी ये कुछ इस तरह है वी मार्ट के अंदर का, और अभी हम लोग जा रहे हैं इधर, देखते हैं क्या लेते हैं क्या नहीं। तो हम लोग वी मार्ट से आ चुके हैं बाहर, और यहाँ पर ऑटो पकड़ रहे हैं घर जाने के लिए, क्योंकि हम लोग कुछ लिए नहीं है वी मार्ट से, बस गए हैं घूम कर चले आए, क्योंकि कुछ पसंद ही नहीं आया इनको। तो अब हम लोग आ चुके हैं अपने घर की तरफ गली में, और अभी जस्ट 5 मिनट में पहुँच जाएंगे अपने घर, और बाकी देखते हैं क्या करते हैं घर जाकर। अभी तो 12:30 बज चुके हैं, हम लोग 10 बजे वहाँ पे नमोघाट पहुँच चुके थे पिछला ब्लॉग में आपने देखा होगा। अभी आ रहे हैं घर, तो अभी बज रहे हैं 10:30, और उसके बाद चलकर देखते हैं क्या करते हैं। हमें तो बहुत तेज़ नींद लग रही है, और इतना तेज़ धूप लग रहा है ना, पता नहीं क्यों। बरसात के मौसम में बारिश कल हुआ चपक कर रहा, लेकिन आज नहीं हो रहा है, लेकिन धूप बहुत तेज़ हो रहा है। हम आ चुके घर, और घर आकर देखते क्या है कि लाइट ही नहीं है। एक तो इतना तेज़ गर्मी लग रहा है, ऊपर से लाइट कटा हुआ है। और अजय चले गए हैं अपने घर, और हम पे हैं, और हम आ गए हैं अपने घर। तो अभी देखते हैं क्या करते हैं। अभी दोपहर के बज चुके हैं 1, और 2 घंटे में करना पड़ेगा सानी पानी इन सब का। कुछ इस तरह है, जो कि मेरा बैक कैमरा क्वालिटी और फ्रंट कैमरा क्वालिटी दोनों ख़राब हो चुका है। तो मैं जब ब्लॉग शूट कर रहा था ना, तो मेरी बहन की लड़की जो है आदिति, वो मुझे चिढ़ा रही थी कि हेलो गाइस ऐसे कहकर चिल्ला रही थी। अब इसको आ रहा हूँ पास में, तो भाग रही है, मतलब इस टीने के पीछे छुप रही है। पिछले कई ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि एक शुभम नाम का लड़का था, मेरे ब्लॉग में आता था, लेकिन वो चला गया अपने घर। और मौसम देख सकते हैं कितना मस्त है, एकदम तेज़ हवा चल रही है, और बारिश भी आने वाली है, लेकिन अभी बारिश हो नहीं रही है, लेकिन हवा चल रहा है। तो अभी इन सब का जा रहे हैं सानी पानी देने, क्योंकि इन सब का काम आ चुका है, शाम के बज चुके हैं 4। तो इन सबको सानी पानी करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं। हवा बहुत तेज चल रहा है, देख सकते हैं सब कुछ उड़ रहा है, और मौसम बहुत खतरनाक हो चुका है। ऐसा लगता है बारिश होगी और करोगे, लेकिन अभी हो नहीं रही, लेकिन होगी जरूर बारिश। तो अभी इन सबको सानी पानी करते हैं आपसे इन सबको सानी देने के बाद। गाइस यहाँ पे हम इन सबको सानी दे दिए हैं, और ये सब अपना खा रही हैं। और अभी टाइम हो रहा है 4:30, और 6 बजे इन सबका दूध निकालेंगे। तो अभी 6 बजे में 1.5 घंटा का टाइम है, तो देखते हैं अभी क्या करते हैं। शुरू हो चुकी है बारिश, अभी स्लो हो रही है, लेकिन हवा तेज़ चल रहा है, लेकिन बारिश स्लो हो रही है। ऊपर का वेदर देख सकते हैं आप कितना खतरनाक हुआ है, देखते हैं बारिश कितना तेज़ होता है। तो अभी फ़िलहाल इन सबको सानी पानी दिए हैं, और ये सब अपना खा रही हैं, और ये हमको देख रही है, कह रही कि जाओ अभी मत बनाओ वीडियो, खाने दो। और इधर ये अपना खा रहा है, तो देखते हैं अभी। अभी शाम के बज चुके हैं 6, और अब जा रहे हैं इन सबका दूध निकालने। तो निकाल कर दूध फिर मिलते हैं आपसे। ऐसे टाइम लगेगा मुझे 5 गायों का दूध निकालना है, तो लगभग 40-45 मिनट तो लग जाएगा। तो फिलहाल इनका दूध निकालते हैं, फिर उसके बाद अब आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। कुछ ऐसा है कि अभी बारिश नहीं हो रहा है, जब सानी दे रहे थे तो बारिश हो रहा था, लेकिन अब दूध निकालने जा रहे हैं तो बारिश नहीं है, लेकिन मौसम है बारिश का। तो इन सब का दूध निकालते हैं, और जो कि लाइट भी कटा हुआ है, यहाँ पे स्विच ऑन है बट बत्ती नहीं जला, इसका मतलब लाइट कटा हुआ है। तो इन सब का दूध निकालते हैं, फिर उसके बाद ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। इन सब का दूध निकाल लिए हैं, और बाकी इन सबको अलग अलग कर दिए हैं, मतलब कि आपस में लड़े ना। और बाकी अभी शाम के बज चुका है, बज चुके हैं 6:30, और बाहर अभी बारिश हो रही है बहुत तेज़, मतलब उतना तेज़ नहीं हो रही, लेकिन हो रही है बारिश, जो कि अभी दिखा नहीं रहा है क्योंकि अंधेरा हो चुका है इसलिए। तो अभी देखते हैं क्या करते हैं आगे ब्लॉग में। और इस बारिश में लेकर जा रहे हैं हम दूध। अभी सुबह के बज चुके हैं
सो गाइस अभी शाम के बज चुके हैं 5, मतलब कल रात के बाद सुबह हुई और सुबह होकर शाम भी हो गया, तो मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। और कल शाम को दूध देकर आया था तो रात हो गई थी और बारिश भी हुई थी, तो मैं भींग गया था, तो नहाने में लेट हो गया था, तो मैं ब्लॉग नहीं किया था। और उसके बाद अभी को ये ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, जस्ट मतलब एक दिन बाद ये ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। बाकी ये पीछे से हंस रही है, तो अभी देखते हैं क्या करते हैं, अभी कुछ नहीं करते, तो इस ब्लॉग को करते हैं इसे भी ख़त्म। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।